माँ या बीवी। आपको फैसला सुनना है ना कि मैं आप में से किसी एक को चुनूं, तो ठीक है फिर काम करो, आप दोनों सास बहू साथ में रहो या अलग अलग, मैं आज एक घर छोड़ के जा रहा हूं। आकाश। अरे आकाश, आकाश I'm sorry, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो प्लीज ऐसा मत बोलो। इनफ, आप सबको मेरा डिसीजन सुनना था ना, सुना दिया मैंने अपना डिसीजन। आकाश सुनो मेरे, आकाश। अरे ये क्या, अब दीदी को समझ में आएगा घर का टूटना क्या होता है। मिल गया सुकून, हो गई शांति, कर दिया मेरे बेटे को मुझसे दूर। आज त्योहार के दिन मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। अपर्णा, सब तुम्हारी गलती है, पल्लवी को क्यों दोष दे रहे? अरे मैं कब से बोल रहा हूँ छोटी सी बातें खत्म करो, त्योहार का दिन है त्योहार मनाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम तो हर बात के लिए पल्लवी का गला काटने के लिए तैयार रहती हो। ठीक है फिर मनाइए होली अपनी बहू के साथ। ये लड़का भी ना मतलब इतना बड़ा हो गया, अभी ना सोच है ना समझ है, गुस्सा तो नाक पे बैठा हुआ है इसके, कहाँ घूम रहा होगा होली का दहन की रात को बाहर के। अब मिली राहत, तब से एसिडिटी हो रही थी, सास बहू मिलके एक टीम हो रहे थे ना, अब टूटा ना इनका परिवार। कहाँ गया होगा, कहाँ जा सकता है आकाश। या फिर अपनी बीवी के साथ, बोल आकाश, मां या बीवी। क्या गलती है पल्लवी? तुम गलत सवाल पूछ रहे हो आकाश, क्या गलती है हमारी? पल्लवी मैं ना थक गया हूँ यार, मैं कसम से थक गया हूँ यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। तुम्हारा अहम तुम्हें मानने नहीं दे रहा है कि गलती ना आकाश की है ना पल्लवी की, गलती तुम्हारी है अपर्णा। बंद करो इतना घुसना अपने बेटे की जिंदगी में, बड़ा हो गया है वो, पत्नी है उसकी, अपनी जिंदगी है, अब वो तुम्हारे पल्लू से बंधा हुआ मम्मी मम्मी करता हुआ नहीं घूम सकता, और अगर वो ऐसा करता हुआ घूमता है तो समझो हमारी परवरिश में गलती थी। पल्लवी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए हमने शादी की, हमें दूसरे को समझते हैं, दूसरे के परिवार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफर हम ही कर रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि पता पल्लवी, एक टिपिकल मर्द की तरह बोल दूं तुमको,
कि आज के बाद तुम अपने मायके के बारे में कोई बात नहीं करोगी, उनका नाम नहीं लोगी, और तुम वो चाची के टिपिकल बहू की तरह कि मुझे मेरी सास से, मेरे ससुराल से कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। हम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया ना पल्लवी, हम दोनों ने जब से शादी की है सिर्फ निभाई रहे हैं, कभी इस घर कभी उस घर, कभी इस आंगन कभी उस आंगन, लेकिन आंख फट गया है यार। समझ रही हूँ तुम्हारी बात, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे बताओ। कैसी बातें कर रही है, मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ कि तुमने कुछ गलत किया, जबकि तुमने क्या कुछ नहीं किया, सबके लिए, अपने पापा से लड़के आगे वो भी हमारे लिए, हम दोनों बस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेकिन हमें हर जगह से हार ही मिल रही है, हमें हर जगह से चोट ही मिल रही है, हम बस आकाश, रिश्तों की डोर जब बहुत कमजोर हो जाए और एक बार टूट जाए ना तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और मैं ये होने नहीं दूंगी। साइन करवा दीजिए और ये ले जाइए। बहुत बड़ा दिल है आपका, वरना आज के जमाने में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? रवि जी यहाँ पहले आप साइन कर दीजिए। ये जो है ना अंकल जी और ताया जी, वो दोनों का साइन जी साहब। ले लो ये। हाँ ले जाओ, बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर काम नहीं होना, ना ही कुछ मिलना है। अच्छा जी, साइन तो करवाओ फिर दगान अपने। तुम्हें क्या लगता है कि पप्पी मेरा तुम्हें 50 लाख रुपए दे रहे? 50 लाख रुपए? ना 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 ना। तुम्हारी दुकान हड़प रहा हूं। और ये सब रंग घर में फैल जाएगा फिर? अरे मम्मा, मुझे तो प्रिंट आउट निकालना था और पापा का लैपटॉप भी नहीं चल रहा है। आज होली के दिन क्या प्रिंट आउट निकालना है तुम्हें? और पापा ना सो रहे हैं तो उनको उठाना मत, और उनसे बिना पूछे लैपटॉप हाथ भी मत लगाना, ठीक है? जानवी आंटी का ले लूं? नहीं, वो भी नहीं, बिल्कुल नहीं, हाथ नहीं लगाना। अरे मम्मा, इम्पोर्टेंट काम है, होली का प्लान बनाया हमने कि हम फनी प्रिंट आउट लेंगे और सबके बैग पे चिपकाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मना किया ना मैंने। राहुल क्या कर रहे हो, मना किया था मैंने। सॉरी मम्मा। राहुल, अरे तुम्हारे और प्रिंट निकल रही है क्या? ये जानवी ने मेरी जगह अपनी फोटो क्यों चिपका ली है? ये दरवाजा क्यों बंद था? शायद हवा से बंद हो गया होगा, ध्यान नहीं गया हमारा। ये मेरे ब्लड रिपोर्ट्स हैं, दिखाओ मुझे। सॉरी तन्वी, बट मैं अपनी रिपोर्ट्स प्राइवेट रखना चाहती हूँ। ये बाहर कैसे रहेगी? थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं, वरना प्रॉब्लम हो जाती। हैप्पी होली। अकेली क्या कर रही हो? पति का है तुम्हारा और मेरी पत्नी,
माँ बेटे सुबह से खाए अभी दिखे ही नहीं है। वो मम्मी जी कह रही थी कि हनुमान मंदिर जाएंगी, उनके दर्शन करके आएंगी, तो वहीं गए हैं। हनुमान जी के मंदिर होली के दिन कौन जाता है? नहीं, ये कुसुम ना हर दिन कुछ भलता ही निकल के लाती है, मतलब ये क्या लॉजिक है क्या? अरे कोई बात नहीं सुभाष, मन किया हनुमान जी के दर्शन करने का चले गए, अच्छी बात है। लो आ गए। कुसुम हो गए दर्शन हनुमान जी के? कुसुम हाँ हाँ हो गए। हैप्पी होली कुसुम। हैप्पी होली कुसुम। हैप्पी होली भाई साहब। हैप्पी होली दीदी। क्या हुआ कुसुम? कुछ टेंशन है क्या हुआ? तुम ऐसे खोए खोए क्यों? नहीं नहीं पापा, कौन परेशान है? नहीं नहीं हाँ हाँ क्या टेंशन, कुछ नहीं। संध्या कुछ ठंडा पीने के लिए लाओ ना, बहुत प्यास लगी है। हाँ मैं अभी लेके आती हूँ। देखा नहीं, ये ऐसा है, कल का झगड़ा आज तक दोनों अपने दिमाग में लेके घूम गए। सुभाष अरे थोड़ा टाइम दे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी, आप ज्यादा सोचते हैं। पता है वो तकलीफ है भाई, बाहर आओ। हो गुप्ता जी आ गए। सुभाष चल चल आकाश चले। अब पल्लवी कटहल ले आओ, अब कोफ्ते बना ले। जी मम्मी जी मैं लाती हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.